Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे से चैप्टर किया, समझ आया। आज हम वही अपने प्रॉमिस को पूरा करने, समरी कम रिवीजन लेक्चर, पूरे चैप्टर को समअप करेंगे, पूरे अच्छे से समरी फॉर्म में इसको बनाया गया और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी होगा। एंड आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे ना तो प्लीज जरूर कीजिएगा लाइक वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ऐसे ही हर चैप्टर के बाद बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आ सके आपके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना लेते हुए। तो हमारा क्या था चैप्टर का नाम? कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को हमने कलेक्ट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक। तो स्टैट्स हमने पढ़ा था, स्टैट्स होता क्या है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, ऐसी कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिससे हम कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन पे जा सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे दो मेन फोकस थे, सोर्सेज ऑफ डेटा और मेथड्स फॉर कलेक्शन। सोर्सेज यानी प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, मेथड्स भी हम आप देखने वाले हैं। तो सोर्सेज ऑफ डेटा क्या था? प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स पे आइए फोकस करते हैं फिर। प्राइमरी सोर्स वो होता है जहां पे हम खुद डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहां से वो डेटा आ रहा है उसके सोर्स से जाके हम लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ, हो सकता है हमने हेल्प लियो किसी इन्वेस्टिगेटर की या फिर फील्ड वर्कर्स की। ठीक है, ये क्या होता है? प्राइमरी सोर्स, जहां पे हमने डेटा को खुद कलेक्ट किया अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के पास, हम वहां से उनसे डेटा ले रहे हैं, दैट्स इट। दैट कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन्स टू हैव कलेक्टेड द डेटा थ्रू स्टेटिस्टिकल सर्वेज, उन्होंने अपने सर्वे या सर्वेज के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कर रखा है। तो हमने इस पे एक नोट डाला कि ये सेकेंड हैंड डेटा है, ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, फर्स्ट हैंड नहीं है, और हमें इस पे ही रिलाय करना पड़ेगा, रिलाय ऑन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, हमें फिर एट द एंड उसी पे रिलाय करना पड़ेगा इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, तो कुछ छोटे से डिफरेंसेस देख लेते हैं हम, डिफरेंसेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स। तीन छोटे छोटे डिफरेंसेज जो कि आपको भी मेरे को पता है। सबसे पहला ओरिजिनल, ओरिजिनल डेटा कौन सा होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होगा क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग उसको कलेक्ट किया, हमने खुद कलेक्ट किया, तो ओरिजिनल कौन होगा? प्राइमरी। सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड कौन सा होगा? प्राइमरी, हमने अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उस डेटा को कलेक्ट किया है। सेकेंडरी डेटा हो भी सकता है और नहीं भी, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है हमारा सेम ऑब्जेक्टिव किसी दूसरी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन का भी रहा हो, तो उन्होंने भी उसी ऑब्जेक्टिव के तहत हाँ क्या किया होगा, डेटा को कलेक्ट किया होगा। तो हो सकता है हमारा डेटा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, सेकेंडरी डेटा भी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हो और ना भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ज्यादा किसमें लगेगी? कॉस्ट ऑब्वियसली प्राइमरी डेटा में ज्यादा हमें पे करनी पड़ेगी क्योंकि हमने खुद इन्वेस्टिगेशन की है, करवाई है, इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है, फील्ड वर्कर्स को हायर किया है। ठीक है, बट क्या सेकेंडरी डेटा में हमने ऐसा किया? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटा था, हमने कुछ सम ऑफ थोड़ा सा पे करके हम एजेंसी या इंस्टीट्यूशन से वो डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई होप होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोड्स ऑफ कलेक्शन। दीज आर द सोर्स ऑफ डेटा जो अभी हमने पढ़े। अब मोड्स कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, चार सोर्स की, चार मेन हमने कलेक्शन की बात की थी, मोड्स की बात की थी। ये हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं, हम कौन से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, किसके मोड देख रहे हैं, हम प्राइमरी डेटा को देख रहे हैं। प्राइमरी में हमने चार बात की थी, चार मोड्स थे हमारे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। तो एक एक करके हम इनकी सूटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखते हैं एंड आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, नाम में ही है सब कुछ, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हमें जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसे डायरेक्टली पर्सनली ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके। कह रहा है डाटा पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, हमने पर्सनली कलेक्ट किया रिस्पोंडेंट से। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर जो है एस्टेब्लिश करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द पर्सन फ्रॉम होम द इन्फॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है उससे डायरेक्ट रिलेशन, यानी हम मिलते हैं फेस टू फेस जाके, उससे डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई डोंट थिंक होनी चाहिए। तो ये मेथड, ये मोड कहां पे सूटेबल होगा, जहां पे लिमिटेड कवरेज होगी, हमें ज्यादा एरिया को कवर नहीं करना है, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, हमें देखना है कि डेटा को ओरिजिनल ही चाहिए,
ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट है, ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, तो हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा। कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, हमें इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें टॉप सीक्रेट रखनी है इन्फॉर्मेशन को, तो हम इस मेथड को यूज करके चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद एक्यूरेसी, जरा आप बताइए एक्यूरेसी की ज्यादा जरूरत होगी तो इस मेथड को यूज करेंगे या कम जरूरत होगी तो इस मेथड को यूज करेंगे? मेरे हिसाब से जहां पे ज्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर जहां पे डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिस्पोंडेंट से रिक्वायर्ड है, हमें पर्सनली जाके उससे मिलना ही है, हम चाहते हैं कि हम उससे मिलें, तो हम ये काम करेंगे। आई बात समझ में? पक्का? तो ये थी हमारी सूटेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसके मेरिट्स अब देख लीजिए। अब आपको सूटेबिलिटी से कुछ मेरिट्स तो मिल चुके हैं। मेरिट्स में क्या कह रहे हैं? ओरिजिनलिटी, डेटा ओरिजिनल होगा, एक्यूरेसी एक्यूरेट होगा, रिलायबल, हमने खुद जाके या अपने ही बंदों को भेज के वो डेटा को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो रिलायबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर हमने डेटा को कलेक्ट किया है, हमने इन्फॉर्मेशन लेते हुए हमें लगा कि इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें रिक्वायरमेंट है तो हम वहीं के वहीं उससे ले सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, सब एरिया से सब जगह से एक जैसे पर्सन या हम खुद जाके यूनिफॉर्म सर्वे कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी तो होगा डेटा में, डेटा में यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा होगी। इलास्टिसिटी, इलास्टिक फ्लेक्सिबल इतना होगा कि हमें लगा कि नहीं इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए तो हम अपने अकॉर्डिंग मोल्ड भी तो कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट या एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वे। ठीक है, तो दीज आर द मेरिट्स। इसके बाद बात करते हैं डीमेरिट्स की। कह रहा है वाइड एरिया कवरेज तो हो ही नहीं सकता, जो आपको पता है हमने फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने ऊपर ही पढ़ा है सूटेबिलिटी में, जहां पे कम होगी लिमिटेड होगी तो वाइड एरिया कवरेज हो नहीं सकता। पर्सनल बायसनेस हो सकती है। पर्सनल बायसनेस कैसे हो सकती है यार? अब इंफॉर्मेशन लेते टाइम हमने जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ली, जिससे इंफॉर्मेशन ली वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं था, बायस होके कुछ काम करके हमें इंफॉर्मेशन देके गलत चला गया तो पर्सनल बायसनेस हो सकती है। कॉस्टली यार, वन टू वन जा रहे हैं तो कॉस्टली तो हो गई। ठीक है, तो लिमिटेड कवरेज भाई फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सिमिलर है, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? चलें फिर आगे। तो फिर नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें वही बात जैसे नेम कह रहा है, इनडायरेक्ट ओरल, आपने डायरेक्टली किसी से नहीं ली, अब किसी थर्ड पर्सन से ले रहे हो जिसके बाद हमें लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ओरली, ओरली हम कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सन, अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जिसके पास हमें लगता है कि इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हम उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सूटेबिलिटी, अब इसकी सूटेबिलिटी की अगर बात करें तो हम बात करते हैं कि ऊपर जो भी हमने मोड पढ़ा, जो मेथड पढ़ा, उससे कवरेज रिलेटिवली लार्ज है, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। ठीक है, कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर वो कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट कैपेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन देने की, हो सकता है ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी या फिर ड्यू टू इलिटरेसी, किसी भी वजह से वो सामने वाला पर्सन जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकता। कह रहे इन्फॉर्मेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट हमें 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 एक्सपर्ट ही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। किसी पर्सन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेने ही है, ठीक है, उसके हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमें उसके लैंड्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है और उसको नहीं पता, ठीक है, तो हम एक एक्सपर्ट है या फिर उसका अकाउंटेंट है या फिर उसका लॉयर है जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो फिर हम इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेके चलेंगे। नाउ यू हैव द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, यू कैन इजिली पॉइंट आउट व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस मोड। ठीक है, क्या है मेरिट्स में? ऑब्वियसली वाइड कवरेज है, लेस एक्सपेंसिव होगा, एक्सपर्ट की ओपिनियन भी जरूरी हो सकती है, फ्री फ्रॉम बायस, ये बायसनेस वाला पॉइंट मेरिट एंड डीमेरिट में दोनों भी आ सकता है, वो बायस हो भी सकता है और फ्री भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको चाहे आप हटा भी सकते हैं पॉइंट को। ठीक है, और ये सिंपल मेथड है, तो क्या बोला? वाइड कवरेज, लेस एक्सपेंसिव, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड सिंपल। ठीक है, डीमेरिट्स में वही लेस एक्यूरेट होगा, ऑब्वियसली ऊपर वाले मेथड में एक्यूरेसी 100% होगी, यहां पे एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, और डाउटफुल कंक्लूजन भी आ सकते हैं, हो सकते हैं हमें इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी पर्टिकुलर मैटर पे चाहिए थी और हमें कुछ और मिल गई, तो कंक्लूजन डाउटफुल हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये था हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हमारा अगला मेथड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरेस्पोंडेंट्स। यहाँ पे हम लोकल सोर्सेज को पकड़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, लोकल सोर्सेज, हमें कई जगह से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो हमने वहीं के बार बार हम नहीं जा सकते ऑब्वियसली ना, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा सकता, कॉस्टली बहुत ज्यादा होगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने लोकल कोरेस्पोंडेंट्स को ही पकड़ लिया।
ठीक है। और हमें वहां पे था कि यार ज्यादा एक्यूरेसी की नहीं, हमें बस डेटा मिल जाए उतना ही काफी है, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इतना ही काफी है, इसलिए हमने वहीं के लोकल सोर्सेज या फिर कोरेस्पोंडेंट्स को हायर कर लिया। रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ऑब्वियसली हमें रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा लार्ज था, ठीक है, तब सूटेबल होगा ये। इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज इन जनरल मैगजीन्स न्यूज़पेपर टीवी, उनके लिए, अब उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए वेदर इट इज ट्रू और नॉट, उनको तो हाइप क्रिएट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है। और जहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट कदा ही नहीं है, ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, तो मेरिट्स क्या होगी, अब इकोनॉमिकल होगा, वाइड कवरेज, कंटिन्यूटी रहेगी, सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पसेस, किसी हमें सर्वे कराना था अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया, तो वहीं के एरिया के लोकल कोरेस्पोंडेंट्स को बोला जाओ प्लीज जाके गिनती करके आओ, जनगणना करके आओ, ठीक है, हमें खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तब ये हो सकता है, ये इसके मेरिट्स हो गए। एंड डीमेरिट्स, ओरिजिनल नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हर एरिया का अलग लोकल सोर्स होगा, वहां से हमने इन्फॉर्मेशन ली तो अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा, तो यूनिफॉर्मिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। आई बात समझ में, ये थोड़ा सा हम जल्दी पता क्यों चल रहे हैं, ये चीजें आपने पढ़ी हैं, ये रिविजन है, ये समरी कम रिविजन सेशन है, तो यहां पे आपको बस अपनी ग्रेस्पिंग पावर को देखना है, आपको सुनना है बिल्कुल एकांत में शांत होके, आपको 110% सारी चीजें याद आ जाएंगी अपने आप, ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट यही है। उसके बाद हमने बात करी डीमेरिट्स की, ओरिजिनल नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी तो अभी हमने बात ही कर ली, पर्सनल बायसनेस हो सकता है, लेस एक्यूरेट, और डिले इन कलेक्शन, अब हर बंदा जरूरी थोड़ना है कि उतना ही एफिशिएंट हो आपको इन्फॉर्मेशन देने में जितने आप खुद हो सकते थे, तो डिले हो सकता है, तो ओरिजिनल नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, पर्सनल बायसनेस हो सकती है, एक्यूरेसी का कम होगा, लेस एक्यूरेसी, एंड डिले इन कलेक्शन। आई बात समझ में पक्का, तो यू कैन इवन मेंशन वन और टू लाइंस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, तो ईजी है, आपको पता है क्या लिखना है कैसे लिखना है, बट यू हैव टू लर्न ऑल दीज की पॉइंट्स टू गेट अ गुड मार्क इन एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो अगला है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर दिया, हमने उस क्वेश्चन के बेस पर, जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चनियर्स होंगे, तो उस बेसिस पे हम सामने वाले से रिस्पॉन्स मांग लेते हैं, इसके दो मेथड थे, एन्यूमरेटर और मेलिंग, हमने मेल कर दिया, सामने वाले से इन्फॉर्मेशन आ गई कि वो मेल का रिप्लाई कर देगा, उस क्वेश्चनियर को फिल करके हमें भेज देगा, या एन्यूमरेटर, एन्यूमरेटर क्या करता है, एक पर्सन होता है जो कि आपसे क्वेश्चन वही पूछता है और खुद फिल करता है, ये दो मेथड है इसमें, तो इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स क्वेश्चनियर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है। मेलिंग सर्विस, इसका मेलिंग सर्विस दो मेथड है, मेलिंग सर्विस या फिर एन्यूमरेटर, तो उसकी सुटेबिलिटी देखते हैं, मेलिंग की वेरी वाइड एरिया, ठीक है, और रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है, एरिया वाइड है और रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है। मेरिट्स, इकोनॉमिकल, ओरिजिनल और वाइड कवरेज, ऑब्वियसली। डीमेरिट्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सामने वाला को इंटरेस्ट ना हो, उसने छोड़ दिया एज इट इज, क्या रिप्लाई करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब एक बात बताओ, आपको लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब वो तो आप ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन एयर में वो मेंशन नहीं है, वो आप इन्फॉर्मेशन मांग ही नहीं सकते, ठीक है। लिमिटेड यूज, ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसका लिमिटेड यूज कर सकते हैं, बायस हो सकते हैं, और लेस एक्यूरेसी, ये मेन कॉमन पॉइंट्स अब हर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद एन्यूमरेटर मेथड, अब एन्यूमरेटर में क्या है, एक एक्सपर्ट या एक पर्सन या एक फील्ड वर्कर को हमने अपॉइंट किया हुआ है, वो जाके क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है, तो उसमें कह रहे हैं सुटेबिलिटी, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, ऑब्वियसली वो पर्सन चाहिए जो आपको फिल करके दे सके, इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज, अब सामने वाला जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो आपकी लोकल लैंग्वेज जानता हो, इन्वेस्टिगेटर आपकी लोकल लैंग्वेज या लोकल जो आपका मैं बोलूँ तो कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो, तभी तो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा, पक्का। चलें फिर आगे, मेरिट्स सिमिलर पॉइंट, वाइड कवरेज, एक्यूरेसी, यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट हो सकता है, ठीक है, इम्पार्शियलिटी हो सकती है, इम्पार्शियलिटी आप एन्यूमरेटर का क्या मतलब, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आगे देनी है, वो बायस कैसे हो सकता है, बट आगे जाके ये पार्शियलिटी वाला पॉइंट यानी बायसनेस वाला पॉइंट भी आ ही जाएगा, और कंप्लीटनेस, आपको पता है कि आप फुल कंप्लीट करके ही लाओगे, सामने वाले से इन्फॉर्मेशन आप पूछोगे, अगर उसको कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझा के उससे इन्फॉर्मेशन फिर भी जवाब फिर भी आंसर फिर भी ले सकते हो, ठीक है। तो डीमेरिट्स में एक्सपेंसिव होगा, हर जगह अपने आपको एक इन्वेस्टिगेटर भेजना पड़ेगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है एन्यूमरेटर्स की अवेलेबिलिटी हो इजीली, ठीक है, टाइम कंज्यूम होगा, वन टू वन है क्योंकि पर्सनल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज ही काम करवा सकती हैं,
ठीक है, पार्शियल हो ही सकता है, एन्यूमरेटर का कोई बीच में से मतलब निकल आया तो वो पार्शियल भी हो सकता है, तो दोनों में पॉइंट आ जाता है। आई बात समझ में? पक्का? तो ये सारे मेथड्स अभी आपने पढ़े, चारों मेथड में कोई दिक्कत आई गेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एक छोटा सा पोर्शन रह गया जिसको हम अभी अभी के अभी हम कंप्लीट तो कर लेंगे, बट आपको ये वीडियो अराउंड 20-22 मिनट की, इससे ज्यादा की वीडियो नहीं होगी, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस सेशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, आपको याद करना है बार बार, एक बार नहीं दो दो बार आपको हो सकता है इसको देखना पड़े, ताकि 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 आपकी बहुत अमेजिंगली इस चैप्टर की रिवीजन हो जाए और आने वाले हर चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। अब बात करते हैं, अभी हमने क्वेश्चनेयर की बात की, तो अब क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर देखते हैं। क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर, कि आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है क्वेश्चनेयर बनाते हुए, कैसे हम बोलेंगे कि गुड क्वेश्चनेयर है। कह रहे हैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस डालने, आपने ये नहीं कि 1000-2000 क्वेश्चन डाल दिए। लेट्स से आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8-10-15 क्वेश्चन डालिए, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन डालिए। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन डालिए, ऐसे नहीं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन डाल दिया कि सामने वाले को समझ ही ना आए। ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए है तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर ऑर्डर सेट कीजिए। हो सकता है आपको 10वां क्वेश्चन जो पूछना था वो आपने दूसरे पे डाल दिया और दूसरा जो पूछना था वो 10th नंबर पे डाल दिया, तो वो ऑर्डर सही नहीं होगा और सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। अनडिजायरेबल क्वेश्चन बिल्कुल मत डालिए जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए या आपको आंसर देना ना चाहे। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, ऑफेंडेड भाई दोनों लिंक्ड पॉइंट है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालिए। कैलकुलेशंस अवॉइड कीजिए, कैलकुलेशंस अवॉइड कीजिए क्वेश्चन ईयर में। ठीक है, और क्वेश्चन ईयर का एक प्री टेस्टिंग सर्वे जरूर कर लीजिए, पायलट रन जैसे हम बोलते हैं, पायलट सर्वे जरूर कर लीजिए, पहले टेस्ट कर लीजिए उनको भेजने से पहले कि उसका रिजल्ट ओरिएंटेड जो हमें चाहिए वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दीजिए क्वेश्चन ईयर को कि कैसे आपको फिल करना है, कैसे आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन इजिली कर सकते हो आप, और रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि प्लीज इसको फिल करके हमें रिटर्न कीजिए। आई बात समझ में? पक्का? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको कैसे डालने हैं, चार टाइप के क्वेश्चन है। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन, आप येस और नो वाले क्वेश्चन डाल सकते हो। ठीक है, डू यू वॉन्ट टू अटेंड दिस सेशन, येस और नो। डू यू फाइंड दिस सेशन इंटरेस्टिंग, येस और नो, अल्टरनेटिव क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डाल सकते हो जिसमें चार को ऑप्शंस आपने दे दिए केबीसी की तरह। ठीक है, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैन वी इरेडिकेट द करप्शन इन इंडियन इकोनॉमी, डायरेक्ट पूछ लिया आपने। ओपन क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, ओपन क्वेश्चन की क्या ऐसा होना चाहिए हमारी इकोनॉमी को चेंज करने के, हमें क्या करना चाहिए। तो ये चार टाइप के क्वेश्चन जिसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज हो गए, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो गए, ठीक है, हमने बोल दिया, या फिर हम ओपन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। चलिए, अब अभी तक जितने हमने पढ़े थे मोड्स, ठीक है, ऑफ प्राइमरी डेटा, फॉर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मोड्स थे, अब हम सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, इसमें दो सोर्सेज हैं, ठीक है, पब्लिश सोर्स, ठीक है, और अनपब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्स क्या होते हैं, जो पब्लिकली पब्लिश किए जाते हैं। अब कौन कौन करता है जहां से हम डेटा ले सकते हैं, सेकेंडरी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, ये बात तो आपको बताइए, आपको खुद जाके कलेक्ट नहीं करना, वो एग्जिस्टेंस में है, वहां से लेना ही है। ठीक है, तो पब्लिश सोर्स में सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट अपनी पब्लिकेशन निकालती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स नीचे लिए हुए हैं, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड बैंकिंग, इन सबसे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए तो आप इनकी रिपोर्ट से ले सकते हो। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है, ऊपर हमने जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बात की उसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की हो सकती है। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जिसमें लोकल बॉडी जो गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, डेटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, पर्टिकुलर हेल्थ में, जैसे एमसीडीज हो गई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीजी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, अपना एक इंडिविजुअल सर्वे करती है अबाउट द हेल्थ, ठीक है, बर्थ, डेथ, एजुकेशन, सबके रिगार्डिंग, तो आप उनसे डेटा जो वो पब्लिश करती है वहां से ले सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन कमिटीज एंड कमीशन, ये भी गवर्नमेंट एजेंसीज ही बनाती हैं, तो ये कमीशन होते हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश किया तो आप उनसे डेटा उठा सकते हो। अब आपको पता है ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, हर ट्रेड की एक एसोसिएशन होती है, उसका एक एसोसिएशन लीडर भी होता है, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, तो उनकी कुछ पब्लिकेशन आती है, जैसे एक शुगर मिल इंडस्ट्री है, उसकी शुगर मिल एसोसिएशन होगी, तो वो सारी पब्लिकेशन जो शुगर मिल से ओरिएंटेड है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पब्लिश करके चलते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई, शुगर मिल एसोसिएशन का हमने एग्जाम्पल ले लिया। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इकोनॉमी में बहुत सारे सर्वेस करते हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट या नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये भी अपने इंडिविजुअल सर्वेस करते हैं जिसके डेटा को वो पब्लिकली पब्लिश करते हैं और आप वहां से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जनरल एंड न्यूज़पेपर्स में भी सर्वेस आते हैं, ठीक है,
ईटी जैसे इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ सर्वेज आ गया, अबाउट द बिजनेस न्यूज आती हैं, जो भी आते हैं आप वहां से भी उठा सकते हैं। और कुछ रिसर्च स्कॉलर जिनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, वो अपने सर्वेस की पब्लिकली करते हैं, जो उन्होंने सर्वे किया वो रिपोर्ट्स को पब्लिक करते हैं, ठीक है। और कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गई, इनकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। ये सारी भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल होती है, पब्लिश की जाती है और आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अनपब्लिश सोर्सेज, जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने कलेक्ट तो की पर सेल्फ यूज के लिए या फिर ऑफिस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने पब्लिकली पब्लिश नहीं किया, तो आप उनसे जाके वो डेटा को कलेक्ट भी कर सकते हैं ऑन देयर रिक्वेस्ट, ऑन द रिक्वेस्ट वो आपको डेटा को पब्लिकली पब्लिश ना नहीं किया जो डेटा वो आपको भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रिकॉशंस है सेकेंडरी डेटा को आपको यूज करते टाइम, प्रिकॉशंस को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि जो आपने डेटा लिया वो रिलायबल है, सुटेबल है और एडिक्वेट है आपके लिए, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स, अगर ये चीजें, तीन चीजें देखनी है, रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी और एडिक्वेसी, तो कुछ चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जहां से आपने डेटा लिया, जहां से आप डेटा लेके आ रहे हैं, आप उनकी एबिलिटी चेक कीजिए, एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की, वो इतनी एबल थी, जो उन्होंने सर्वेस किए वो एक्यूरेट किए, एबल थी कि इतनी कलेक्शन करके आई है वो सही किया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप चेक कीजिए, उनका ऑब्जेक्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव मैच करता है, उनके मेथड देखिए कौन से मेथड से उन्होंने कलेक्ट किया है, टाइम एंड कंडीशन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में वो डेटा तो कलेक्ट नहीं किया गया जो कि नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं हो सकता, हो सकता है लास्ट ईयर जैसे 2020 में कोविड से रिलेटेड अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, हर साल तो ऐसा होता नहीं है, तो कुछ डेटा ऐसा कलेक्ट किया गया जो उस टाइम से रिलेटेड ओरिएंटेड था, जो आगे आने वाले नॉर्मल इंटरवल्स में वो काम नहीं आ सकता, तो फिर आपके लिए वो यूजफुल नहीं होगा डेटा। तो टाइम एंड कंडीशंस आपको देखनी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, आपको ये देखनी है कि जो यूनिट्स यूज की गई है उस डेटा के लिए क्या वो आपके लिए है, आपको किलोग्राम्स में चाहिए था, उनको ग्राम्स में चाहिए था, या उनको मिलीलीटर में था उनका डेटा, तो आप कैसे चेंज करेंगे उनको, उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है उनका डेटा, ये सब आपको चीजें देख के चलनी है। सही बात समझ लें। चलिए, तो दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जिसमें है सेंसस ऑफ इंडिया एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। क्या है इसमें, सेंसस ऑफ इंडिया की बात करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया, अब डेसिनियल हर 10 साल में आपको जनगणना होती है, तो किस लिए की जाती है, वो साइज देखने के लिए, ग्रोथ रेट देखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देखने के लिए, कंट्री में कैसे है पॉपुलेशन के, आपको प्रोजेक्शन देखने की आगे आने वाले टाइम में कितनी प्रोजेक्शन हो सकती हैं, ठीक है। सेक्स कंपोजिशन, मेल एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है, सब चीजें चेक करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ NSSO, NSSO इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। उसमें क्या होता है, अभी जैसे लेटेस्टली लास्ट हुई थी January 2019 से December 2019 77th राउंड था, उसमें क्या हुआ, डेट एंड इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन हुआ, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग के बारे में डिस्कशन हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ इंडिया, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड की इनकम, ये सब चीजों का जो डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये सब चीजें हम उनकी पब्लिकेशन से भी उठा सकते हैं। हमें लेट से अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, स्टेटस के बारे में जानना था इंडिया में, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में जानना था, ठीक है, लैंड कितनी है किसी इंडिविजुअल के पास, या लाइफ स्टॉक होल्डिंग कितनी है, लाइफ स्टॉक मतलब जो भी भेड़ बकरियां ये सब होती हैं, लाइफ स्टॉक्स में आते हैं, ठीक है। डेट एंड इन्वेस्टमेंट, कितना डेट है कंट्री के ऊपर, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब चीजें आपको NSSO की पब्लिकेशन से मिल सकती हैं। आई बात समझ में। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन किया हमने किसका, कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि चैप्टर 2 था आपका स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये और आपको समझ आएगा, एंड आप लाइक बटन पे जरूर हिट करेंगे एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस शॉर्ट इंटरवल पे मिलती रहे। हर चैप्टर का प्रॉमिस है कि आपको मैं रिवीजन वीडियोस देके रहूंगा, ठीक है। तो प्लीज 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 मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।